Hello everyone, I'm Vaishali Nahar, welcomes you at my YouTube channel School at Home. Today I'm going to give you the answer of chapter number 3, class 6 science, fiber to fabric. इसके पहले के जो लेसन है हमने पूरा लेसन कवर कर चुके हैं, वो वीडियो में अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, अगर आपने वो नहीं देखा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्कूल एट होम टू सी दैट वीडियोज. तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे. तो आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे. Classify the following fibers as a natural or synthetic. यहाँ पे आपको जो कुछ फाइबर्स के नेम गिवन है आपको उनको क्लासीफाई करके लिखना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक फाइबर है. नायलॉन, वुल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट. तो आप देखेंगे सॉल्यूशन नेचुरल फाइबर में आपका क्या आएगा, वुल, कॉटन, सिल्क और जूट. सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं आपके, नायलॉन और पॉलिस्टर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. सो देखेंगे यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो आप देखेंगे ये क्या है इसका, इसका ट्रू स्टेटमेंट है. देखते हैं नेक्स्ट. स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स. देखें ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है. जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. ये स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखते हैं वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. ये ट्रू स्टेटमेंट है. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ प्लांट, फॉल्स स्टेटमेंट है. पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, फॉल्स स्टेटमेंट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. ओके सो प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश. सो आंसर इज प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड जूट. नेक्स्ट देखेंगे एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश. सो इसका आंसर है एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वुल. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट को कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड. सो कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ द प्लांट. नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर. सो हियर इज द आंसर गनी बैग्स एंड रोप. नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स. सॉल्यूशन इज यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग. फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर्स आर ड्रॉन एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग्स टुगेदर द फाइबर्स टू फॉर्म अ यार्न. चलिए तो बने रहिएगा मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स जो है आपके चैप्टर 4 के सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स के लिए.